यही बात हमारे साथ भी है भाई। निकल रहे हैं अब बॉर्डर की तरफ, पिलर नंबर 609। अबे बंदा ना बंदे की जात, बट ये हमेशा हर जगह। गाइस, आज हम कहाँ हैं? आज हम हैं डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट पूरा रेगिस्तान। अभी थोड़ा हरा हरा दिख रहा होगा आपको, लेकिन जैसे ही आगे आगे जाएंगे सब खत्म हो जाएगा। ये भी जंगल ही है यहाँ पे। यहाँ पे एक हमारा छोटा सा रॉक कैंप है जहाँ हम रुके हुए हैं। पूरा फील ले रहे हैं डेजर्ट का, कैसा होता है कैसा नहीं होता। अभी थोड़ा सा ड्राइव भी किया था यहाँ पे, पर हाँ आगे तक गाड़ी जा नहीं पाई। एक ऐसा फील आता है, हम आए हैं एक ऐसे एरिया से जो बिल्कुल रनिंग भागता रहता है दिल्ली से, और यहाँ पहुँचे आके यहाँ बिल्कुल सुकून, यहाँ ठहराव है लोगों की ज़िंदगी में। लोग रुके से हुए हैं, रुके तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ ठहराव है लोगों की ज़िंदगी में। लोग भसड़ में हैं, इंटरनेट कनेक्शन कम है, यहाँ सिर्फ एयरटेल के नेटवर्क आ रहे हैं, वो भी थोड़े से आ रहे हैं, बाकी वोडाफोन नहीं आ रहे, थर्ड जियो के भी बिल्कुल थोड़े से नेटवर्क हैं। भाई ये लोगों को पसंद है ऐसे रहना शांति में। ये देखो सनराइज़ होने वाला है थोड़ी देर में, बहुत अमेजिंग नज़ारा, अमेजिंग। ये हमारा स्टे जहाँ पर हमने स्टे किया था, कल रात इसमें रुके थे, तो आज रात थोड़ा अपग्रेड करेंगे टेंट को। हमने बोला है कल तो बस ये लास्ट टेंट ही बचा हुआ था, एंड मोमेंट में हमने भैया को बोला था भैया प्लीज़ दे दो, क्योंकि हम यहाँ पे पहुँचे थे पूरे 7:30 के अराउंड। 7:30 पहुँच के तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था, और जैसलमेर में कुछ इतना पता नहीं था, तो हाँ भैया का कॉन्टैक्ट नंबर था तो भैया को कॉल किया, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास ही आ जाओ, हम आपको स्टे करा देंगे। जो आज का स्टे है, आज का स्टे भी भैया के पास है, ये हमने ऑलरेडी बुक करा लिया था पहले ही। आज शायद मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरी साइड है इनकी, आज शायद इन वाले टेंट्स में स्टे है हमारा। और अब हम जा रहे हैं इन टेंट्स की तरफ। अभी भैया से बात करके पता लगा कि ये जो टेंट्स लगे हुए हैं ये भैया के ही हैं, तो भैया कहते हैं कि भैया जाओ देख के आओ, और ये जितनी भी लैंड है ये भी भैया की है। मैं अभी आपको ऊपर जाके दिखाऊँगा कि कितने लैंड भैया ने, कितनी सारी लैंड है जो भैया के नाम है यहाँ पे, जो हमें होस्ट कर रहे हैं। धानी और दोबा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी में। सही है, अच्छी बात है, पढ़ा करो, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ा करो, ध्यान लगा के। गए हो बॉर्डर पे? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि मोदी मेरे पापा को पकड़ेगा और कहेगा आप अपने बेटे को संभाल नहीं रहे। यही बात हमारे साथ भी है भाई। नजारे, सनराइज होने वाला था, हुआ नहीं, बादलों में छिप गया, थोड़ी देर में धूप डायरेक्ट निकलेगी। ये देखो अमेजिंग। हाँ एक और बात, मैं भैया की लैंड दिखाता हूँ, बहुत सारी लैंड है भैया के पास यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने अपना कैंप बना रखा है। यहाँ से जिस छोटी सी पहाड़ी पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लेके मैं आपको दिखाता हूँ, ये घूम के वो ग्रीन वाले जो पेड़ दिख रहे होंगे सारे, वो लेके मतलब इनकी 25 एकर्स ज़मीन है भैया के पास। वो सामने टेंट है, इसके लेफ्ट राइट में जितना एरिया सब भैया का है। ये देखो सनराइज होते हुए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
जर्नी हमने कर लिया स्टार्ट, नहा धो के हो गया रेडी, निकल रहे हैं अब बॉर्डर की तरफ, पिलर नंबर 609 तानोदवारा टेम्पल जाएंगे पहले, वहां से फिर हम लेंगे पास, देखते हैं क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या रहेगा सब, उसके बाद अगर पास मिलता है तो फिर आगे बॉर्डर तक जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। टिल देन बने रहिए, दिखाते हैं हम आपको अच्छी अच्छी चीजें। यहाँ पे भी PRO सर्विंग द नेशन, PRO ने रोड्स बहुत अच्छे बना रखे हैं, चलने में मजा आता है। बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, धनोद माता मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और रोड्स में बहुत अमेजिंग रोड्स हैं, मतलब क्या बताएं, मक्खन रोड है, एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे रोड होंगे यहाँ पे, लेकिन हाँ अच्छे रोड हैं, चलने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आपको रोड्स दिखाता हूँ, आप देख, रोड बहुत अमेजिंग है, साइड में जो विंड मिल्स चल रही हैं, क्या नज़ारा ही है, बहुत अच्छी फील आ रही है देख के। अब हम पहुंच गए हैं तनोत माता टेंपल, अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। भीड़ होने के कारण हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया दर्शन करने में। बॉर्डर के पास के लिए देखो कितनी लंबी लाइन। एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हमें बॉर्डर का पास मिला, देखते हैं अब जाएंगे। तानोद माता मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं ऐसा लग रहा था सब लोग सुबह उठ के यहीं पहुंच गए। हमने पूरी कोशिश करी हम टाइम पे पहुंच जाएं, पर हाँ अब टाइम पे भी पहुंच गए थे, पर हमसे पहले बहुत सारे लोग थे, सभी स्मार्ट हो गए हैं, हम सोच रहे थे हम खुद स्मार्ट है, यहाँ आके देखा सभी स्मार्ट है भाई। तो फिर हमने पूरा एक घंटा लगाया, एक घंटे में चलो हमें मिल तो गया पास, खुशी तो इस चीज़ की है, क्योंकि हम मन तो ये बना के आए थे कि अगर ज़्यादा टाइम भी लगेगा तो अभी देख के तो जाना है, देखना तो है ही है, आए इसी के लिए। चलो अब एंट्री हो रही है, उसके बाद आगे का रास्ता दिखाते हैं, यहाँ से बॉर्डर का रास्ता दिखा रहा है 20 किलोमीटर का। तो जी बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया है, ज़्यादा हम दिखा नहीं सकते थे, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, हमें भी अपने देश के प्रति सच्चाई और ईमानदारी से सब कुछ करना चाहिए। ठीक है हम देख रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, बट उसके साथ ये नहीं है कि हम अपनी फोर्सेस के साथ कुछ भी, मतलब कुछ भी हम ऐसा कुछ दिखाएं जो इररिलेवेंट हो। सेकंड चेक पोस्ट। सो फाइनली गाइस हम चल रहे हैं बॉर्डर रोड पे, पास वास सब कंप्लीट, सब दो जगह चेकिंग हो गई है। एक यहाँ की एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, आपने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर, आप अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो वो मूवी देख के यहाँ पे आए, ये एक 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है यूट्यूब पे, आप वो देखें और फिर यहाँ पे आए, फिर आपके अंदर का जो देशभक्ति जो जज्बा होगा ना आपके अंदर वो अलग ही होगा। मैं तो बोलता हूँ कि एक दिन पहले आप 15 मिनट ये डॉक्यूमेंट्री देखें और नेक्स्ट डे यहाँ पे आए, तो आपके सामने एक पिक्चर होगी कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो वही है, अब मैंने भी कल रात 15 मिनट की मूवी देखी, मैंने 2 दिन पहले बॉर्डर देखी, तो इस इन चीज़ों को जो भी हो रहा है यहाँ पे जो भी दिखेगा मुझे तो उसको मैं कोरिलेट कर पाऊंगा आराम से। और ये हम पहुंच गए हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहला मेरी लाइफ का पहला बॉर्डर है जो मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान वाले, लोगों ने तो काफी देखे हैं पर हाँ मैंने देखे नहीं है कुछ भी। Oh, 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 oh
हमने इंडो पाक बॉर्डर देख लिया, ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं, बस एक हाँ चेक पोस्ट बना रखा था, वहाँ तक एंट्री थी, उसके बाद एंट्री नहीं थी। तो और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर कर ली हैं थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि अगेन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आने वाले लोग बहुत ज़्यादा, जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा। हुआ क्या यहाँ पे, मेरे को एक चीज़ ऑब्जर्व हुई, ऑब्जर्व क्या मतलब है ही है, वो तो फैक्ट है, तो पाकिस्तान की तरफ से कोई देखने को नहीं आता इस बॉर्डर को, इंडिया वाले लोग ज़्यादा जाते हैं, इंडिया वाले लोग के जाते ही इंडिया वाले लोग हैं, पाकिस्तान की साइड कोई दिखा नहीं, मे भी आते हैं कुछ अलग उन्होंने बना रखा हो दिखाने के लिए, बट हाँ यहाँ से देख के तो ऐसे लगा कि उनकी तरफ से किसी को मतलब ही नहीं भाई, हमें जाना ही नहीं है देखने के लिए। फेंसिंग है, फेंसिंग भी इंडिया ने कर रखी है, पाकिस्तान को फेंसिंग की भी ज़रूरत नहीं है, ज़मीन का डाइवर्जन हो रखा है, जैसे दो भाइयों के बीच में लड़ाई के बाद एक दीवार खिंच जाती है, भैया जगह तो सेम ही रहती है। वही सेम टैंक हो गया था ख़त्म, दोबारा इसको करा रहे हैं फिल, फिर निकलेंगे आगे। देखो आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे बंदा ना बंदे की जात, बट ये हमेशा हर जगह। अब हम आए हैं डेजर्ट सफारी करने के लिए, चलो आपको जीप की सैर कराएं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमने सोचा यहाँ का फॉक डांस देखा जाए। ये मिलना तेरी खुशी की बात सही, तुमसे मिलकर उदास ही रहता हूँ।